जय किसान, जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और ऑनररी सुबेदार मेजर साहब इक्वलेंट इन दूसरे सर्विसेज में, उनके लिए कोई पॉइंट, उनको ऑनररी रैंक नहीं मिलता, वो अपनी पेंशन ले रहे हैं। ये भी हमारा एक पॉइंट है जो उनको बताया हमने। हमने एसएससीओ के लिए ये भी बोला है, या तो प्रो रेटा पेंशन उनको दे दो, जैसे 14 साल करा 20 साल को पूरी पेंशन मिलती है, तो प्रो रेटा कम कर दो, या उनको जो कोई और तरीके से उनको कंपनसेट करें ताकि वो उसी तरह से जिए, उसी तरह से अपनी ज़िंदगी बताएं जैसे कि उन्होंने सर्विस करी है एज ऑफिसर्स इन द इंडियन डिफेंस फोर्सेज। सिमिलरली हमारे जवान रिजर्विस्ट और ऑनररी रैंक्स, इनके लिए भी जो रैंक के मुताबिक जो पेंशन मिलनी चाहिए वो उनको दी जाए। अगला मेजर पॉइंट जो हमने डिस्कशन किया वो था ईसीएचएस के ऊपर, ईसीएचएस के हेल्थ केयर, हेल्थ केयर के 4-5 पॉइंट हैं। एक तो जो फंड हैं ईसीएचएस को नहीं मिलते, और वो आगे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको टाइम से नहीं देते, और वो हमारे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये बहुत से करोड़ों में पैसा पड़ा हुआ है। लास्ट नोन फिगर इज 1000 करोड़ रुपीज, 1000 करोड़ रुपया जो इंपैनल हॉस्पिटल का अभी तक पेमेंट नहीं करा हुआ। तो इसके बारे में हमने उनको बताया कि आप सभी को नमस्कार। आज मैं जंतर मंतर से हमारे वन रैंक वन पेंशन का जो आंदोलन 2015 से लगातार जारी था, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे पुलिस ने बैठने से मना कर दिया था, लेकिन जब भी हमारे दिन जैसे 2200 दिन पूरे हुए उस दिन हम सब सैनिक यहाँ पे इकट्ठे हुए, आज हमारे 2300 दिन पूरे हुए हैं, तो सभी एक्स सर्विस मैन यहाँ पे जंतर मंतर पे पोल नंबर 8 के पास इकट्ठा हुए हैं, बंगला नंबर 5 के अपोजिट। सरकार से एक अपील करती हूँ कि 2015 से लेके आज तक अपने देश का मान सम्मान गौरव सड़कों पे बैठा हुआ है, और प्रधानमंत्री जी ने खुद वादा किया था 2013 में रिवाड़ी की रैली में कि अगर हमारी सरकार केंद्र में आती है तो 100 दिन के अंदर वन रैंक वन पेंशन लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी 3 बार लाल किले से भी बोल चुके कि मैंने वन रैंक वन पेंशन दे दिया, जो कि सच नहीं है। वन रैंक वन पेंशन आज तक सैनिकों को नहीं मिला है, 2300 दिनों से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं सड़कों पे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, 8 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद है, भरोसा है कि सैनिकों को शायद न्याय जरूर मिलेगा। सरकार ने बहुत सारे अत्याचार किए हैं, सरकार किसी की हितैषी नहीं है, ना ये जवानों की है, ना ये किसानों की है, ना युवाओं की है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वादा किया था कि पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ़ करूंगा, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की थी। आज 10 महीने से ज़्यादा हो गए किसान बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, किसानों की आमदनी तो दुगनी नहीं की, उनकी लागत जरूर दुगनी कर दी, डीजल का भाव बढ़ा दिया, खाद का बढ़ा दिया, बीज का बढ़ा दिया, ट्रैक्टर की बुहाई रोक, कितना लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं किसान, जवान सड़कों पे बैठा हुआ है। देश का जो जिन्होंने 62-65-71 की लड़ाइयाँ लड़ी, वो देश का गौरव आज सड़कों पे बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। रिजर्विस्ट भाई जिन्होंने 2-3 लड़ाइयों में भाग लिया और उनको 9,810 रुपये पेंशन मिल रही है, देश के राष्ट्रपति से अपील करती हूँ कि जिन सैनिकों ने देश के लिए 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी उनको कम से कम 15,000 रुपये तो पेंशन दी जानी चाहिए, वो देश का गौरव है। उस टाइम वो पूरे 2,00,000 के करीब सैनिकों को वहाँ से फौज से जबरदस्ती पेंशन भेजा गया था, आज तो बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगी देशवासियों, जागो, आवाज़ उठाओ, डरो मत। अगर कोई तानाशाही सरकार अपनी मन मर्जी चला रहे तो उसके हक की आवाज़ उठाओ। शुभ नामे जागे
जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। देश का सैनिक सड़कों पर, देश का दुर्भाग्य है। देश का सैनिक सड़कों पर, देश का दुर्भाग्य है।